ये टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है और बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे एडवेंचर सीरीज का डे टू है और ये डे टू का पार्ट टू है। पार्ट वन में हम चले थे पारस से और पहुंचे थे नारान, और अब हम जा रहे हैं नारान से आगे बाबूसर टॉप की तरफ। यार ये बाबूसर टॉप मैं 2014 में आया था नारान और तब नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ते बंद थे, और उसके बाद से काफ़ी दफ़ा प्लान बनाया लेकिन नहीं जा सका, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप। सुबह में यहाँ पर सर्दी अच्छी खासी थी लेकिन अभी जो है बारिश रुक चुकी है तो अभी टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। इस वक्त 15 डिग्री है टेम्परेचर। चलते हैं आगे और चल के आज आपको दिखाते हैं बाबूसर टॉप। यहाँ से बाबूसर टॉप है 70 किलोमीटर। इसका रास्ता बहुत खूबसूरत है, मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी हैं। नारान से आगे आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मैंने इसकी पिक्चर देखी हैं। रास्ते में बटाकुंडी आते हैं और जलखट, यार दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। तो आज मैं जितना कवर करके खुद को निकला हूँ क्योंकि बाबूसर टॉप की सर्दी के बारे में मैंने बहुत सुना था। इस्लामाबाद से जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आया था पहनने के लिए वो सब मैंने आज पहन ली है, बस एक रेड जैकेट नहीं पहनी जो कल पहनी हुई थी, उसके अलावा सब कुछ पहन लिया है। मेरे ख्याल से कोई टोटल 3 या 4 लेयर्स है। यार इतना कोई जबरदस्त रोड है, कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट सिर्फ जहाँ पर ये वाटर क्रॉसिंग आ रही है, वाटर क्रॉसिंग काफ़ी आ रही हैं, छोटी भी आ रही हैं बड़ी भी आ रही हैं, तो वहाँ पर स्पीड थोड़ी स्लो होती है। अदरवाइज यार खूबसूरत रोड है। यूथ हॉस्टल बटाकुंडी, यहाँ भी है यूथ हॉस्टल। ये आ गई जी बटाकुंडी। बस अब जितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है इतनी काफी है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी काफी सारे होटल्स हैं तो यहाँ भी स्टे किया जा सकता है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जलखट में। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही फेमस पॉइंट है यहाँ का, स्पेशली बाइकर्स के लिए। जो भी बाइकर आते हैं वो इस जगह पर पिक्चर तो लाजमी लेते हैं, मैंने भी ली है, क्योंकि पीछे जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। वैसे हमने उस तरफ जाना है, यहाँ जस्ट मैं पिक्चर लेने के लिए रुका हूँ, बाबूसर टॉप उस तरफ है। यहाँ से ऑलमोस्ट कोई बस 27 से 28 किलोमीटर है। मेरे पीछे है ये लुलुसर लेक, बाबूसर टॉप से 18 किलोमीटर पहले है।
काफ़ी खूबसूरत लेक है, ग्रीनिश शेड दे रहा है पानी। पीछे मैंने चाय के लिए रुकना था लेकिन एक रेस्टोरेंट आया था, मून रेस्टोरेंट, यार वहाँ इतना रश था मेरा रुकने का दिल ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा लेट ना हो जाऊँ, बाबसर टॉप पहुँच कर वहीं चाय पियेंगे। उस तरफ घने बादल दिखाई दे रहे हैं और 3 बजे के बाद बारिश की फोरकास्ट वैसे भी है। तो ये वजह है कि बाबसर टॉप साल में 7-8 महीने बंद रहते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े ग्लेशियर हैं, ये रोड को ब्लॉक कर देते हैं। ये पीछे कहां से स्टार्ट हुआ है ये ग्लेशियर, और अभी वो आगे तक जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सामने ही है वो सामने। बाबूसर 0 किलोमीटर। सर मुझे भी अपने व्लॉग मिले। आप कहाँ से आए? मैं लाहौर से आया हूँ। अभी बाबसर टॉप ही आए? जी बाबसर टॉप, वापस दोबारा नरान जाएंगे। बाय जी। चलें। तो बाबूसर टॉप में पहुँचा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे मोस्टली लोग यहाँ पर आकर पिक्चर बनवाते हैं और पीछे लाइन लगी हुई है। अभी यहाँ पर चाय पीता हूँ क्योंकि चाय का कब से मैं वेट कर रहा था और यहाँ साथ ही बन रही है। चाय पीते हैं पहले, थोड़ा घूमेंगे, 1 घंटा यहाँ गुजारेंगे फिर वापस निकलेंगे। और इस तरह मौसम भी खराब हो रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ हर कोई आकर एक पिक्चर तो लाजमी लेता है, और जब मैं यहाँ पहुँचा इतना रश लगा हुआ था। अभी 2 मिनट के लिए जगह खाली हुई है और आपके भाई ने फ़ायदा उठाया उसका और एक पिक्चर ले ली है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ और क्या है, 1 घंटा यहाँ घूमते हैं फिर वापस चलेंगे। मेरे पीछे आप ये जो रोड देख रहे हैं ये जा रहे हैं चिल्लास की तरफ, चिल्लास से आगे फिर गिलगित। और जैसे जैसे अब शाम हो रही है सर्दी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत ही तेज हवा चल रही है। अभी ऊपर चल के थोड़ा सा मैं देखता हूँ और क्या है दिखाने के लिए, और फिर पीछे में 1-2 पॉइंट देख कर आया था वहां मैंने रुकना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर कुछ है तो देखते हैं, वरना फिर उसी पॉइंट पर ही चलते हैं और वहां से फिर नारान की तरफ निकलते हैं। असल जो सीन्स हैं बाबूसर के वो यहाँ पर हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, अब इस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ यार असल नज़ारे यहाँ पर हैं। ये इस तरफ देखें और ये इस तरफ देखें, ये भी हुए देखने वाले। We'll be right back.
शाम के 5 बज रहे हैं और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। ये मेरी जैकेट पर आप देख रहे होंगे, जून में स्नोफॉल। असल में इतनी ऊंचाई पर है क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अभी मैं इसके ऊपर एक और जैकेट भी पहनता हूँ और नीचे जो है रेन पैंट्स जो है वो पहनता हूँ और निकलते हैं नारान की तरफ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है और बैटरीज जो है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो रही है। गोप्रो तो मर चुका है, इसकी बैटरी भी एंड होने वाली है। जितना रिकॉर्ड हो सकता है रिकॉर्ड करता हूँ और फिर नारान पहुँच कर वहाँ मिलते हैं आपसे। आज का दिन बहुत आला गुजरा। ये जो स्नोफॉल वाला सीन था ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चलिए, बाबूसर टॉप जो है इसकी हाइट 13,700 फीट है। जब इतनी हाइट हो तो बारिश भी होती है, स्पेशली शाम के टाइम अगर बारिश हो तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। यही वजह है कि जून में वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और अच्छी खासी तेज़ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। जब टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है तो गोप्रो जो है इसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। रास्ते में मैं एक जगह रुका था तो उस वक्त थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो वहाँ एनवायरनमेंट था, फोगी वेदर हो चुका था और हल्की हल्की उस वक्त स्नोफॉल हो रही थी और मेरे अलावा कोई और बाइकर वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने एक दो पिक्चर्स भी ली थी और एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। अभी लेट हो चुका था मैं, ऑलमोस्ट वहाँ से कोई 5 बजे मैं निकला था और स्नोफॉल इतनी तेज़ हो रही थी और जब रोड पर स्नो जमना शुरू हो जाती है तो उसका बहुत डर होता है। चाहे आप ब्रेक सप्लाई ना करें फिर भी टायर स्लिप होता है। तो मैं कोई 20-22 की स्पीड में नीचे आया, 8-10 किलोमीटर मैं इसी स्पीड में आया। 8-10 किलोमीटर नीचे आने के बाद वहाँ पर स्नोफॉल जो है वो तो रुक चुकी थी, लेकिन बारिश हो रही थी। 3 घंटे कंटिन्यूस मैंने बारिश में बाइक राइड की और यहाँ नारान पहुँचा। नारान में आते ही जो पहला होटल मुझे मिला मैंने ले लिया। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ मैं इतना थका हुआ था, मैंने चेंज किया, बेड पर आकर लेटा और मुझे नींद आ गई। 2 घंटे बाद अभी उठा हूँ खाना खाने के लिए। बाहर जाने का मेरा कोई मूड नहीं था इसलिए मैंने मेन्यू इधर ही मंगवा लिया। तो अभी रूम में कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह निकलते हैं फिर एक और जगह, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।